नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। एक्चुअली फैक्ट क्या है डेरा सच्चा सौदा का, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का, बात करते हैं सीधा जनता से, जानते हैं सीधी बात क्या कहती है आज जनता। हमारे साथ सरदार जी जुड़े हैं, इनसे भी सवाल करते हैं कि क्यों आज भी ये लोग डेरा सच्चा सौदा में खड़े हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जोगिंदर सिंह इंसा जी। सर कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा में आते हो? मुझे हो गए 26-27 साल हो गए जी। सरदार जी की लगता है तुम्हें मुझे किस तरह दे नहीं गुरु जी? ये जी एक साजिश द्वारा ड्रग्स माफिया है जैसे जी जी। और कोई राजनीति है ये। अब आप पंजाब के अंदर देख लो, ड्रग्स का इतना काम हो चुका है, कारोबार इतना फल फूल चुका है जब से गुरु जी यहाँ नहीं है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। माताएं बहनों की इज्जत भी खतरे में पड़ रही है जी, जी जब वो शराब पीते हैं तो माता बहनों को परेशान करते हैं, तो वो महसूस हो रहा है जब से गुरु जी हमें गाइड नहीं कर रहे। तो इसलिए उन्होंने जो प्रतिबंध लगाए थे, नशे पे लगाए थे, और नशे ड्रग्स माफिया जो हैं वो गुरु जी के प्यारे से पीछे पड़े हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने इसमें फंसाया गया। सर थोनू की लगता है गुरु जी किस तरह नाल लोगों का नशा छुड़वाते, किस तरह नाल लोगों को प्रेरित करते हैं? गुरु जी ने 137 के करीब मानवता और भलाई के काम किए हैं जी। जैसे 2011 में सफाई अभियान, ये मोदी जी ने तो बाद में करा है, पहले तो ये हम नहीं करा था, दिल्ली के अंदर शुरू हुआ था 2 दिन का, और सफाई अभियान है, और इतना प्रेरित करा कि हम अपने हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो कुछ खाते हैं तो अपनी जेब में रख लेते हैं, डस्टबिन होता कहीं या कूड़ादान होता वहाँ डालते हैं। इतने हम प्रेरित कर रहे हैं तो हम जो प्रेरित हुए तो बच्चे भी प्रेरित हुए, इसलिए सफाई से हमारी जितनी बीमारियाँ वो खत्म हो जाती हैं। गुरु जी के प्रेम से ही ये काम चला है, नहीं तो हम खाते थे वहीं डाल देते थे, उसमें कीड़े मकोड़े पैदा होते थे, फिर वो बीमारी पैदा होती थी, तो वो खत्म हुई है। देश को साफ रखने के लिए काम किया उन्होंने, नशा मुक्त करने के लिए काम किया, और क्या उन्होंने देश के लिए भूमिका निभाई है? देश के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई जी। जिस गलियों में माता बहनें पेशा करती थी उन्हें अपनी बेटियां और बहन बनाकर मुख्य समाज में लाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसे मैं बहन कह रहा हूँ, मैं अपनी बेटी बना रहा हूँ, ये बहुत कठिन बात है, और मैं उसे मानता हूँ इस बात को। मैंने भी बहन बना रखी है अपनी, जो कोठे पर रहती थी वो हम अपनी बहन बना के उनकी शादियाँ करा रहे हैं, उनका इलाज करा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है जी। आप क्या सर इतने काम उन्होंने देश के लिए समाज के लिए किए हैं, वेश्यावृत्ति तक के लिए उन्होंने काम किया है, तो फिर उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए उनके बारे में क्या लगता है आपको? वो निर्धारित गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। मेरी बेटी भी आती है यहाँ, अब भी आई हुई है, मेरी बहनें भी आई हैं यहाँ, और छोटी से बड़ी तक हुई हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। हम गुरु जी के बहुत नज़दीक रहे हैं, अंदर भी जाते हैं, जब मीटिंग होती है उसमें भी जाते हैं, कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ी, बहुत नज़दीक रहे हैं हम, पर ऐसा हमने कुछ नहीं देखा। ये तो लोगों को एक भरमाने की बात है कि ड्रग्स माफियाओं का बिजनेस बंद हो चुका, उनका कैसे चले, तो इसलिए उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। नहीं, मीडिया का चौथा स्तंभ कहा गया मीडिया को, और सच्ची बात, मगर मीडिया भी आजकल बिका हुआ है, जिसे पैसा देती है उसको बेच देती है। क्या आपको लगता है समाज को जरूरत है गुरु जी की आज? समाज को इतनी जरूरत है जैसे कोई मरने के लिए जा रहा हो और उसके अंतिम सांस चल रहे हों, और उसे डॉक्टर की जरूरत है, इसलिए समाज को ये जरूरत है। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से हम हाथ जोड़ के यही कहेंगे कि ये बाहर आ जाने चाहिए, और जितने काम रुके हुए हैं वो चालू हो जाने चाहिए। जैसे बेटियों की शादी कराना है, गरीबों का इलाज कराना है, छोटे बच्चे गरीब आदमी पढ़ा नहीं पा रहा उनको पढ़ाना है, जो नशे में लिप्त हैं उनको लाला कहें या गुरु मंत्र दिलवा के उन्हें अच्छे रास्ते पर लगाया जा रहा, तो समाज को इतनी बड़ी जरूरत है, बहुत ही ज़्यादा जरूरत है गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार जी का बयान है जिनका कहना है कि हम सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को बहुत नज़दीक से जानते हैं, बहुत करीब से जानते हैं कि किस तरह के सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा हैं, किस तरह से उन्होंने समाज के लिए काम किए हैं, किस तरह से उन्होंने वेश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूशन को रोकने के लिए काम किया है, देश को साफ करने के लिए काम किया है, देश को नशा मुक्त करने के लिए काम किया है। ये है फैक्ट
डेरा सच्चा सौदा का विषय डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा का जो हम जनता के बीच में पहुंच कर जानने की कोशिश कर रहे हैं सूत्रों के हवाले से, कोई न्यूज़ नहीं, कोई खबर नहीं, सीधा जनता के बीच में पहुँच कर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जानते हैं कि किस तरह के लोग आज उनके साथ हैं, क्यों आज लोग उनके साथ हैं, क्या कहना है लोगों का आज जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। आप लोग सुनिए और आपकी क्या राय है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।